अथ मंगलवार व्रत कथा। ओम हम हनुमते नमः। मनोजवं मारुति तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी का व्रत मंगलवार के दिन किया जाता है। विधि इस प्रकार है, प्रातःकाल उठकर के नियम संयम का पालन करते हुए सात्विकता के साथ में हनुमान जी की उपासना पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के व्रत में लाल चौकी कपड़ा बिछाना चाहिए, लाल रंग का चौकी पर, और साथ ही हनुमान जी की प्रतिमा राम दरबार की प्रतिमा स्थापित करें, उन्हें लाल चंदन लगाएं, रोली सिंदूर लगाएं और लाल पुष्प साथ में चढ़ाएं। हनुमान जी को लाल रंग की वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। हनुमान जी बल बुद्धि विद्या के दाता हैं, राम भक्त हैं, अतुलित बलशाली हैं, सभी बानरों में श्रेष्ठ शिरोमणि हैं। हनुमान जी का व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, श्री राम प्रभु की भक्ति भी मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि नगर में केशोदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ में रहता था। वह बड़ा ही धनी था, उसे संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, उसका सभी सम्मान करते थे, परंतु उसे एक बात की पीड़ा थी कि उसे कोई संतान नहीं थी और उसकी पत्नी और वो दोनों आराधना करते। कई वर्ष बीत गए तो वो ब्राह्मण जंगल चला गया। पत्नी घर पर रहकर ही हनुमान जी की उपासना करती और व्रत करती। ब्राह्मण दंपति संतान प्राप्ति के लिए नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत रखते थे। एक मंगलवार को ब्राह्मण की पत्नी किसी कारणवश हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई। उसने व्रत रखा था, सूर्यास्त के बाद बिना भोजन किए सो गई। फिर निश्चय किया कि अगले मंगलवार को व्रत करके हनुमान जी को भोग लगा के तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगी, और वो अगले मंगलवार आने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते देखते 6 दिन बीत गए। वह भूख प्यास से व्याकुल थी। उसने मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखा, उस दिन बेहोश हो गई। उसी दौरान अचेतावस्था में भगवान हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिया। उन्होंने कहा, हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए आया हूँ, बोलो क्या चाहिए। बोली, एक पुत्र चाहिए। और हनुमान जी ने प्रसन्न होकर उसे सुंदर सुयोग्य पुत्र दिया। वर देकर हनुमान जी अंतर्धान हुए। जब पत्नी की आंखें खुली तो हनुमान जी की बात याद आई, उन्हें भोग लगाया और फिर भोजन किया। बजरंग बली की कृपा से ब्राह्मण दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह मंगलवार को जन्मा था बालक, इसलिए उसका नाम मंगल प्रसाद रखा। केशव दत्त इधर घर आ गया। उसने बालक के बारे में पूछा कि ये कौन है। उसने सारी बात बताई। उसे अपनी पत्नी की बात पर विश्वास न किया। उसने सोचा कि ये व्याभिचारिणी है, मेरे साथ धोखा किया है, झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने सोचा, मैं इसकी हत्या कर दूंगा बालक की। योजना के अनुसार एक दिन केशव दत्त बच्चे को नहलाने के लिए कुएं पर ले गया। उसे मौका मिला, कुएं में ही फेंक दिया। घर आकर कहने लगा, मंगल प्रसाद तो उसके साथ गया ही नहीं। वह अभी इतना ही कह रहा था कि मंगल प्रसाद दिखा, उसके पीछे खड़ा हुआ, और जब देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि ये तुम्हारा है पुत्र। नहीं माना था पत्नी के कथनानुसार तो हनुमान जी ने उन्हें रात में स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, तुम्हारी पत्नी तो हमारी भक्त है, उस पर कभी संशय ना करना, और वो मंगल प्रसाद मेरा दिया हुआ प्रसाद स्वरूप है, उसका भरण पोषण करो और वो तुम्हारे कुल का नाम यश फैलाएगा। तुम्हारा ये लोक भी सार्थक होगा और परलोक भी सार्थक होगा। हनुमान जी का व्रत श्रद्धा भक्ति भाव से करना चाहिए और इस दिन एक समय भोजन किया जा सकता है।
भोजन गुड़ और रोटी का करें, ज़्यादा अच्छा होगा। दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, इसमें ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। निंदा स्तुति से बचना चाहिए। हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। उसके कथा सुनने के पश्चात फिर हनुमान जी की आरती भी करना चाहिए, प्रसाद का भोग लगाना चाहिए, प्रसाद सभी भक्तों में वितरित करना चाहिए। इस तरह से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। कम से कम 51 मंगलवार का व्रत करें या 21 मंगलवार का, और फिर उद्यापन करें। उद्यापन में ब्राह्मण को बुलाएं, उसे भोजन कराएं, नहीं तो उसे कच्चा भोजन दे, दक्षिणा दे, अन्न वस्त्र धन इत्यादि देकर उसका सम्मान करें और प्रणाम करें। दीन जनों का, गौ माता को भी कुछ ना कुछ उद्यापन में अवश्य ही खिलाएं, और इस तरह से हनुमान जी प्रसन्न होंगे, आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति करेंगे, यश विद्या की प्राप्ति करेंगे, रोग शोक का निवारण करेंगे। आइए सुनते हैं हनुमान जी की मंगलमयी आरती। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके मल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की, देवी रंग नाथ पठाए, लंका जारी सियास दिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई, लंका जारी असुर संहारी, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़ सकारे, लाए सजीवन प्राण वारे, बैठी पताल तोरी जमकारी, कही रावण की भुजा उखारी, बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनु मान लला की, सुर नर मुनि आरती उतारी, जय 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 हनुमान उचारी। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघु नाथ कला की, कंचन थाल कपूर लछाई, आरती करत अंजना माई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जो हनुमान जी की आरती गावे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। मंगल मूरति मारु
मूर्ति नंदन सकल अमंगल मूलि कंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध विहारी हनुमान सम नहीं बड़ भावी नहीं को राम चरण अनुरागी गिरिजा जा सुप्रीति सेवकाई बार बार प्रभु निज मुख गाई जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान।